नमस्कार दोस्तों, आज हम एनालिसिस करेंगे एक और पाम का और जानेंगे इस पाम की खास बात। ये हैं 35 इयर्स ओल्ड मेल पर्सन और इनका कुछ प्रश्न है कि ये गवर्नमेंट जॉब करते हैं और ये कॉर्पोरेट सेक्टर में जाना चाहते हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब करना चाहते हैं, मैनेजमेंट स्टडी करना चाहते हैं, कुछ इस प्रकार के क्वेश्चंस हैं। और साथ में इनकी उन्होंने बताया कि मैरिड लाइफ में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है तो आगे कैसा रहेगा, तो चलिए इनके क्वेश्चंस का उत्तर देखते हैं। तो अगर पढ़ाई की बात करें तो पढ़ाई की रेखा काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी ब्राइट रेखा है। ऐसे लोग जीवन में जितना चाहें उतना पढ़ सकते हैं, जीवन में इनको विद्या की कमी नहीं होती इनको। और साथ में देखें यहाँ पर इस तरह से ये रेखा एक और आ रही है, तो ये रेखा इस प्रकार से जीवन रेखा में जाके मिल रही है, सॉरी भाग्य रेखा में जाके मिल रही है। तो ऐसे में इंसान का कहीं ना कहीं किसी बड़ी कंपनी में काम करने का योग भी बनता है। अब जैसे गवर्नमेंट जॉब छोड़ना, देखिए थोड़ा सा एक लगता है कि गवर्नमेंट जॉब के लिए लोग तरसते हैं, लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए इतनी इतनी मेहनत करते हैं, उसको छोड़कर प्राइवेट नौकरी में आना और गवर्नमेंट जॉब में जो कंफर्ट जोन आता है या वर्कलोड होता है कम होता है और एक कहना चाहिए सिक्योरिटी होता है कि अगर हम देखें तो कि जॉब छूटने का चांस नहीं होता, तो एक परमानेंसी जो होती है गवर्नमेंट जॉब, वो प्राइवेट जॉब में नहीं होती। प्राइवेट जॉब में कब क्या कौन आपको मना कर दे कुछ नहीं पता। तो हालांकि योग रेखा सपोर्ट कर रही हैं, लेकिन फिर भी अगर हम लॉजिकली भी देखें तो थोड़ा सा आपको दोबारा इस डिसीजन के बारे में सोचना चाहिए। तो पढ़ाई के लिए तो हाथ में काफ़ी अच्छा एक इंडिकेशन दिखता है। यहाँ पर भाग्य रेखा देखिए, यहाँ पर आके एक चेंज ले रही है, इस तरह से चल रही है और ये कुछ ना कुछ एक रेखा आगे बढ़ रही है। तो यहाँ पर आके रेखा में जब ये ख़त्म हो रही है, यानी कि एक अपने रास्ते से हटकर एक नई रेखा का आना, तो ये कुछ ना कुछ चेंज के बारे में दिखा रहा है, कोई ना कोई चेंज हो जाना, इस तरह की चीज़ें लाइफ में चेंज आना, सोर्स ऑफ इनकम बदल जाना, इस तरह की चीज़ दिखा रहा है। अगर आप वाकई में इंटरेस्टेड हैं तो कोशिश करके देख लीजिए, लेकिन फिर भी हम ये कहेंगे कि गवर्नमेंट जॉब छोड़ना आज के ज़माने में एक थोड़ा सा काफ़ी मुश्किल और समझदारी भरा डिसीज़न नहीं है। ये प्राइवेट जॉब में जितनी ज़्यादा वर्कलोड है, मेहनत है, टाइम एक तरह से कहना चाहिए टाइम भी कोई लिमिट नहीं है कि आप 5 बजे उठ जाइए सीट से या 6 बजे उठ जाइए, और बहुत ज़्यादा वर्कलोड है, तो उस चीज़ को देखते हुए सरकारी जॉब छोड़ना एक समझदारी नहीं है। हाँ, अगर आप साथ में सरकारी नौकरी के कोई और दूसरा काम साथ में करना चाहते हैं, प्राइवेट वर्क जिससे आपकी इनकम और बढ़े, तो यहाँ पर योग बनता है। इस तरह से आप किसी और कोई और प्राइवेट जॉब साथ में रहते हुए करें या कोई एक्स्ट्रा इनकम के लिए कोई दूसरा सोर्स आप अपनाएं जीवन में, तो वो आप कर सकते हैं। तो और साथ में हाथ में ये देखिए गुरु तक रेखा यहाँ पर जा रही है, गुरु पर्वत तक इस रेखा का आना सरकारी जॉब की निशानी है, तो सरकारी जॉब बनाए रखना ही बेटर रहेगा। और हाथ में यहाँ पर देखें तो इनकम के स्रोत में, ये जो अगर अपने काम के स्रोत देखें, इसमें काफ़ी ज़्यादा कट्स हैं, तो बार बार इनकम का रुकना, बार बार परेशानियाँ आना। अगर आप प्राइवेट जॉब की तरफ जाते हैं तो बार बार जॉब छूटने के चांसेस भी दिखाई देते हैं, यानी इनकम का रुकना, इतनी गहरी गहरी रेखाएँ हैं। यहाँ पर अगर हम देखें सरकारी नौकरी की बात, अगर हम देखें यहाँ पर इस तरह से, ये कोई डिपार्टमेंट का चेंज भी दिखाती है। हो सकता है कि आज आप अपने डिपार्टमेंट में परेशान हों तो डिपार्टमेंट से ट्रांसफ़र भी ले सकते हैं, किसी और जगह शिफ्ट हो सकते हैं। यहाँ पर सिंपल एक बड़ा कट दिखता है, कोई बड़े खर्चे की ओर इंडिकेशन करता है, ये 42 से लेकर 43 की एज के आसपास ये इंडिकेशन दिखाता है। और फिर एक चेंज के बारे में दिखाता है कि कोई फिर से एक डिपार्टमेंट में चेंज होना, ट्रांसफ़र होना, इस तरह की चीज़ों को दिखा रहा है। अब हाथ में यहाँ पर देखें, इन्होंने जैसे क्वेश्चन पूछा था, जाके पूछा था कि मैरिड लाइफ को लेके, यहाँ पर गुरु दबा हुआ है काफ़ी, देखिए काफ़ी ज़्यादा दबा हुआ है। जब ऐसा गुरु पर्वत दबा होता है तो फिर उसमें परेशानी आती है गृहस्थ जीवन में। यहाँ पर ये जब गुरु पर्वत दबा है जैसे दिखाई दे रहा है, तो ऐसे में परेशानी आती, गृहस्थ जीवन में दिक्कतें आती हैं, पति पत्नी में आपस में सपोर्ट तालमेल की कमी होती है। एक पिक्चर और दिखाते हैं, उससे पहले हम शुक्र पर्वत पर भी देखेंगे। शुक्र पर्वत पर देखिए, यहाँ पर
घेराव छोटा है, तो ऐसे में इंसान के जीवन में एक कहना चाहिए लव रोमांस की कमी आती है। इस तरह से देखिए पूरा उठा हुआ पूरा है, ऐसे लोग अच्छा लाइफस्टाइल पसंद करते हैं, अच्छा रहन सहन पसंद करते हैं, लेकिन लव रोमांस के मामले में अपनी फीलिंग्स व्यक्त नहीं कर पाते। चलिए दूसरी पिक्चर देखते हैं। एक देखिए यहाँ पर अगर इस पिक्चर को देखें तो ये इस तरह से फोकनुमा है। तो जब भी विवाह रेखा फोकनुमा होती है, पति पत्नी में आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, आपस में तालमेल की दिक्कत होती है, कॉपरेशन एक कहना कि कॉपरेशन नहीं होता, आपस में एडजस्टमेंट नहीं होता, विचार नहीं मिलते और दोनों में लड़ाई झगड़ा काफ़ी ज़्यादा बन जाता है और इस वजह से गृहस्थ जीवन में परेशानी भी आती है। अब आगे समय कैसा रहेगा इस चीज़ को हम और जानेंगे। यहाँ पर देखें तो हाथ में जैसे कि हमने देखा गुरु पर्वत दबा होने के कारण गृह जीवन में दिक्कत है, तो गुरु के उपाय करे जाए, साथ ही साथ इनको मंडे के फास्ट करने होंगे या फिर मंडे को शिव परिवार की पूजा करनी होगी, जिससे कि इनको अपने बच्चों का प्यार मिल सके, पत्नी के साथ भी तालमेल संबंध अच्छे रहे, इस तरह के या रुद्राभिषेक करवाया जाता है, लोकल पंडित से कहकर रुद्राभिषेक करवाएं जिसमें दोनों पति पत्नी शामिल हों और उस पूजा से इनको लाभ मिले। अब हाथ में आते हैं और चीज़ों की ओर देखते हैं, जिसके में जिससे हम और चीज़ों की भी गहराई में जाएंगे कि ओवरऑल हाथ क्या कहता है। यहाँ पर देखें हाथ रेक्टेंगुलर है, ऐसे लोग मेंटल वर्क बहुत ज़्यादा करते हैं, कुछ कई बार ऐसे लोग थोड़ा ओवरथिंकिंग भी करते हैं, नए नए आइडियाज़ जनरेट करना, नई नई चीज़ों के बारे में सोचना, इस तरह की चीज़ें ऐसे लोगों का स्वभाव होता है। यहाँ पर हाथ में देखें तो चंद्र पर्वत अच्छा है, शुक्र अच्छा है और मंगल पर्वत काफ़ी अच्छा है, इस तरह से तीन पर्वत हमें अच्छे दिखाई देते हैं जिनका डिस्कशन हम वीडियो में करते रहेंगे। अब हाथ में देखें यहाँ पर जीवन का ग्राफ इस तरह से चल रहा है, यानी बीच में जीवन में काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पकड़ लेंगे, यानी कि मिडिल एज में जैसे कि 35 to 50 का टाइम पीरियड में ये काफ़ी ज़्यादा राइज करेंगे, फाइनेंशियली इनको दिक्कत नहीं आएगी, काफ़ी ज़्यादा इनको जीवन में एक से एक अच्छे मौके इनको मिलते रहेंगे, प्रमोशंस है, अच्छे अच्छे चांसेस हैं वो मिलेंगे। यहाँ पर हाथ में देखें उंगलियों की शेप तो ये इस तरह से जा रही है, तो ये आप एक तरह से थोड़ा सा ऐसे लोगों की सोच लिमिटेड होती है, कई बार होता है कि जैसे किसी के अपनी एक जैसे सोच बना लेना, उसी सोच के अकॉर्डिंग चलना, अपनी सोच के दायरे से बाहर आना इनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। अब बात करें इनके हाथ में मनी ट्रायंगल को, तो यहाँ पर हाथ में ये कि इस प्रकार से ये देखिए मनी ट्रायंगल बना हुआ है, अच्छा खासा बड़ा मनी ट्रायंगल है, रुपए पैसे की दिक्कत नहीं आएगी, छोटा ट्रायंगल इस प्रकार से बना हुआ है और यहाँ पर देखें तो ये धन की तिजोरी अच्छी खासी भरी हुई है। और हाथ में अगर हम देखें तो भाग्य रेखा का ये इस प्रकार से शेप ले लेना और ये मछली का चिन्ह भी है, तो ये अच्छा खासा रुपये पैसा जीवन में इनको दिलवाएगी, काफ़ी बढ़िया मछली का मुंह इनका ऊपर को है, तो ऐसे लोग ज़्यादातर देखा जाता है 35 वर्ष से लेकर 50 वर्ष की उम्र तक काफ़ी अच्छा पैसा कमाते हैं और जब तक 50 तक आते हैं तब तक एक अलग ही एक हायर लेवल पर पहुँच चुके होते हैं, बल्कि ऐसा लगता है 35 वर्ष से पहले पहले इनके जीवन की गाड़ी धीमी धीमी चलती है, लेकिन जैसे ये 35 क्रॉस करते हैं और 50 तक आते आते इनके जीवन में काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा खासा राइज ये लोग कर जाते हैं। चलिए अब नेक्स्ट हम देखते हैं इनके हाथ में फिंगरप्रिंट्स क्या कहते हैं। यहाँ पर पहले हम अंगूठे को लेंगे, अंगूठे में यहाँ पर इस तरह का उल्लन लूप है, जब भी इस प्रकार के लूप होते हैं हाथ में तो ऐसे में इंसान इमोशनल बहुत होता है, बहुत इमोशनली डिसीजन ले लेना, बहुत जल्दबाजी में डिसीजन लेना और लोगों की बातों में आ जाना, बहकावे में आ जाना, इस तरह की चीज़ें दिखाई पड़ती हैं और ऐसे में इंसान कभी कभी जीवन में फाइनेंशियल मैटर्स में ही ज़्यादातर धोखा खाते हैं, लोगों की जल्दी से मदद कर देना, किसी ने फटाफट से दो आंसू रोए फौरन एकदम पिघल जाते हैं और पैसे निकाल के दे देते हैं, और जब ये खुद उनके पास जाते होंगे या पैसे मांगते होंगे तो ऐसे में वो लोग इनको पैसा वापस नहीं लौटाते होंगे, तो इनके फीलिंग्स हर्ट होते होंगे। और कई बार होता है ऐसे लोगों का, ज़्यादातर लोग फ़ायदा उठाते हैं इनकी एक तरह से भोलेपन का, लोग काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा उठा ले जाते हैं।
यहाँ पर देखें यव का बहुत बढ़िया चिन्ह है, ऐसे लोग अपने परिवार का नाम रोशन करते हैं, ऐसे लोग जीवन में अपने करियर में बहुत बड़ी तरक्की और उपलब्धि पाते हैं। लेकिन ये कहना चाहिए कि काफ़ी जैसे अपने परिवार में जैसे एक होता है कि कोई एक अकेला इतनी बड़ी उपलब्धि पाना, एक अच्छा खासा नाम रोशन कर लेना, तो इस तरह की चीज़ें हाथ में देखी जाती हैं। यहाँ पर देखें तो लॉजिक जो विल पावर है बहुत स्ट्रांग है, लॉजिक और प्लानिंग में थोड़ी सी दिक्कत है, लॉजिक और प्लानिंग का क्षेत्र पतला भी है और साथ में छोटा भी है, विल पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, इनको अपनी लॉजिक में प्लानिंग में वर्क करना चाहिए, बिना सोचे समझे या कम आधे सोच के साथ आधे ज्ञान के साथ डिसीजन नहीं लेना चाहिए, नहीं तो इनको नुकसान उठाने पड़ेंगे। यहाँ पर देखें तो इस तरह से ये लाइन्स जा रही हैं, तो ये पारिवारिक झगड़े की ओर इशारा करती है, कोई ना कोई पारिवारिक झगड़ा इंसान को जीवन में झेलना पड़ता है, कोई होता है पिताजी की तरफ से कोई झगड़ा आता है या फिर अपने परिवार में ही कोई झगड़ा इनको देखना पड़ता है। अब चलते हैं बाकी उंगलियों की ओर, यहाँ पर देखें तो फर्स्ट फिंगर में ये टेंटेड आर्च हमें दिखाई देता है। जब भी ऐसा टेंटेड आर्च होता है इंसान जीवन में उतार चढ़ाव बहुत देखता है और ख़ास तौर से मिडिल एज में बहुत ज़्यादा राइज भी करता है। उतार चढ़ाव से यानी कि जो उसको मिल गया उससे संतुष्टि नहीं होना, उस चीज़ में इसलिए राइज नहीं कर पाते, उस चीज़ को लेके एक मन में दुख बने रहना और कई बार ऐसी परेशानियाँ आना जिसकी वजह से जो चीज़ हाथ में थी वो भी निकल जाती है। तो लेकिन ये टेंटेड आर्च मिडिल एज में काफ़ी ज़्यादा राइज कराता है, काफ़ी गुरु की फिंगर पर होने से और इनको बेनिफिट मिलते हैं। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी कुछ इस प्रकार का टेंटेड आर्च दिखता है, तो जब भी ऐसा ये एक तरह से टेंट नुमा चिन्ह होता है हाथ में तो ये मिडिल फिंगर पर, तो इंसान जीवन में परेशानियाँ ज़्यादा देखता है, ऐसा लगता है कि एक परेशानी ख़त्म नहीं हुई दूसरी सिर पे आके खड़ी हो गई। तो कई बार होता है इंसान अपने करियर में परेशानी देखता है, घर जीवन में परेशानी देखता है, इस तरह की परेशानियाँ आती हैं, फिर भी लेकिन इंसान अपने हिम्मत और अपने मजबूत इरादों से उन परेशानियों को से बाहर निकल आता है। यहाँ पर देखिए सूर्य की फिंगर पर ये देखिए ये बड़ा प्यारा चक्र बना हुआ है, ये बड़ा अच्छा साफ सुथरा, जब भी ऐसा गोल चक्र होता है इंसान सरकारी नौकरी करता है या फिर किसी बड़े सरकारी नौकरी में ही बड़े पद पर पहुंच जाता है। ऐसा नहीं होता कि इंसान सिर्फ जिस लेवल पे उसने पोस्ट ज्वाइन करी या जिस अहदे पे वो काम कर रहा है उसी अहदे पर ही रिटायर होगा, ऐसा नहीं है, काफ़ी बड़ी पोस्ट पर भी ये लोग पहुँच जाते हैं। तो ये बड़ा अच्छा चिन्ह है, अगर कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए सोचते हैं लोग तो उनके हाथ में ज़्यादातर ये चिन्ह पाए जाते हैं। अब हाथ में यहाँ पर देखें तो ये एक पिकॉक्स चिन्ह हाथ में दिखता है, यहाँ पर ये इस तरह से, तो जब भी बुद्ध की फिंगर पे इस तरह का चिन्ह होता है तो कई बार इंसान को एक तरह से फाइनेंस के मैटर में एक तरह से गलत जगह इन्वेस्टमेंट करने से भी कई बार नुकसान उठाना पड़ता है। फाइनेंस की नॉलेज अच्छे होते हुए भी कभी ना कभी इंसान नुकसान उठाता ही है। यहाँ पर हाथ में देखें तो एक चीज़ और दिखती है, ये इतना थर्ड बैलेंस पे इतनी ज़्यादा लाइंस का होना, ऐसे लोगों का सोशल सर्कल बहुत बढ़िया होता है। जब भी सोशल सर्कल बहुत अच्छा होता है, बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स होना, एक समाज में मान सम्मान इज्जत होना, इस तरह की चीज़ हाथ में दिखाई देती है। अब देखिए ये फिंगर्स में अगर हम देखें तो काफ़ी ज़्यादा भगवान में आस्था रखना, इस तरह की टेंडेंसी देखी जाती है। इन दोनों फिंगर्स को देखें तो सूर्य की फिंगर लंबी है, ऐसे लोग काफ़ी हिम्मती स्वभाव के होते हैं और जो सोचती है एक बार उसे करके ही मानते हैं। यहाँ पर देखें तो फर्स्ट बैलेंस से ऊपर जा रही है फिंगर, तो ऐसे लोग काफ़ी टैक्टफुल होते हैं, हर चीज़ पर रिसर्च करना, एक तरह से हर चीज़ में एक बहुत डीप एनालिसिस करना, इस तरह का स्वभाव देखा जाता है। ऐसे लोग जब तक सेटिस्फाइड नहीं होते तब तक उस चीज़ के बारे में खोजबीन करते ही रहते हैं और ऐसे लोगों का ज़्यादा देखा जाता है कई बार पार्टनर भी डोमिनेटिंग होता है। अब हाथ में इस फिंगर की एक खास बात और होती है, जब फर्स्ट फैलेंस इतना लंबा हो तो ऐसे में प्रेजेंस ऑफ माइंड भी अच्छी खासी देखी जाती है। अब आते हैं यहाँ पर पर्वतों की ओर, जैसे कि हमने बताया गुरु पर्वत दबा है, हालांकि क्रॉस भी है, तो क्रॉस एक इंडिकेशन है कि मैरिज का जुड़े रहना, और साथ में यहाँ पर लेकिन इतना दबा हुआ है तो उनको रेमेडी ज़रूर करनी चाहिए। अब आते हैं हाथ में यहाँ पर
शनि पर्वत की ओर। शनि पर्वत पर यहाँ पर एक मछली का चिन्ह दिखता है। ऐसे में ओल्ड एज लग्जरियस रहती है ऐसे लोगों की, और यहाँ पर भी भाग्य रेखा का आना यानी कि ओल्ड एज में भी इनकम का बने रहना। अब हाथ में यहाँ पर देखें तो एक हमें शुक्र वलय दिखता है, ये इस प्रकार से शुक्र वलय दिखता है। ऐसे लोगों का भाग्य दूसरों के लिए ज़्यादा काम करता है। ऐसे लोगों का भाग्य एक तरह से कहना चाहिए जब तक ये अपने पिताजी के लिए काम करना, अपनी माता के लिए काम करना इनका भाग्य, और शादी के बाद कई बार घर वालों के लिए भी, बच्चों के लिए काम करता है। तो ऐसे लोग ये कहना चाहिए कि इनका भाग्य अपने लिए कम और परिवार वालों के लिए ज़्यादा काम करता है। यहाँ पर देखें और कई बार जब ये लोग पैदा होते हैं तो ऐसे लोग बढ़ोतरी भी करते हैं, यानी कि जैसे कि जब पैदा हुए तो पिताजी को कोई प्रमोशन मिलना या घर में कोई ऐसी अच्छी चीज़ का आना या कोई फ़ायदा होना बिजनेस में, इस तरह का भी योग बनाता है। यहाँ पर देखें तो सूर्य पर्वत दबा हुआ है, यानी पिताजी से दूरी या आँखों का चश्मा, पिता से मतभेद, इस तरह की चीज़ें भी देखी जाती हैं। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी एक देखिए एक ये मछली का चिन्ह बन रहा है, तो ये इनको आर्थिक लाभ कराता है। ऐसे में इंसान गवर्नमेंट से काफ़ी ज़्यादा उसको फ़ायदा होता है, जिस सीट पे बैठते हैं यानी कि अपनी पोजीशन से भी इनको काफ़ी फ़ायदा होता है। इस तरह की अच्छी चीज़ें देखी जाती हैं। तो और ये देखिए सूर्य की रेखा भी अच्छी खासी हाथ में है। यहाँ पर एक ट्रायंगल का चिन्ह भी है। जब ट्रायंगल का ऐसा चिन्ह होता है तो इंसान को अवार्ड भी मिलता है, यानी कि किसी बात का प्रमोशन मिलना, अवार्ड मिलना, कहीं मान सम्मान मिलना, इस तरह का भी इंडिकेशन देखा जाता है। अब हाथ में आते हैं यहाँ पर बुध पर्वत की ओर। देखिए बुध पर्वत दबा हुआ है। जब बुध पर्वत दबा होता है तो इंसान के ना फाइनेंशियल लॉसेस बहुत होते हैं, जैसे कि किसी को पैसा दे दिया तो वापस नहीं आना, और थोड़ा सा बुध पर्वत बताता है कि कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में, एस्ट्रोलॉजी में शौक रखने के बारे में, या फिर कई बार होता है कि कंप्यूटर्स उसे जुड़ कंप्यूटर के क्षेत्र में जुड़ा होना या फाइनेंस के क्षेत्र में जुड़ा होना, इस तरह की चीज़ें शौक दिखाता है। लेकिन यहाँ पे बुध पर्वत दबा होने के कारण कई बार ऐसे लोग अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पाते, ऐसे लोग सामने वाले को बता नहीं पाते कि अब उनके ये खुद क्या सोचते हैं, इनके दिल में क्या है। कई बार होता है कि इंसान कहना कुछ और चाहता है और मुँह से निकल कुछ और जाता, तो और दूसरों की फीलिंग्स हर्ट नहीं करना चाहते, फिर भी कहीं ना कहीं इनको यही कहा जाता है कि आप फीलिंग्स हर्ट करते हैं। अब हाथ में आते हैं मंगल पर्वत की ओर। मंगल पर्वत अच्छा खासा उभार लिए हुए है। ऐसे लोग हिम्मती और साहसी होते हैं और अंदरूनी मंगल भी अच्छा खासा है। तो ऐसे लोग कई बार मंगली भी होते हैं और उनका गुस्सा भी तेज होता है। कई बार होता है कि गुस्से में कुछ ही कुछ बोल दिया और बाद में उस वजह से इनको पछताना भी पड़ जाता है। पर अंदरूनी मंगल इनको बोल्ड भी बनाता है कि कितनी परेशानी आए, लेकिन ऐसे लोग बड़े बोल्ड होते हैं। यहाँ पर हाथ में देखिए चंद्र पर्वत अच्छा खासा उभार लिए हुए। देखिए नीचे का काफ़ी ज़्यादा उभरा हुआ है तो इमोशनल ज़्यादा होते हैं, और यहाँ से एक रेखा का निकलना, कुछ ना कुछ कोई लेडी से बेनिफिट होना इस तरह का, या लेडी का सपोर्ट होना जीवन में, ये भी दर्शाता है। कई बार ऐसे लोग किसी इस तरह कमाई का जरिया भी होता है कि किसी MNC के थ्रू कमाना या किसी विदेशी लोगों से कमाना, परंतु सरकारी सेक्टर में ऐसा थोड़ा सा कम देखा जाता है, तो किसी लेडी का सपोर्ट ज़्यादा दिखाई देता है। तो कोई भी बात वैसे हो सकती है, या विदेश घूमना, विदेश भ्रमण करना, इस तरह की विदेश यात्राओं का इंडिकेशन ज़्यादा मिलना, इस तरह की चीज़ें होती हैं। यहाँ पर हाथ में हमने एक फ़िश भी देखी। इनके हाथ में बड़ी अच्छी फ़िश है, ये इस तरह से फ़िश बन रही है, तो ये बहुत बढ़िया फ़िश है। इनको आगे जीवन में बहुत तरक्की कराएगी, और फ़िश का मुंह ऊपर है, भाग्य रेखा से जुड़ा हुआ है इस प्रकार से, तो ये बहुत इनको लाभ देने वाली है। अब हम देखते हैं शुक्र पर्वत की ओर। देखिए शुक्र पर्वत का घेराव कम है, हालांकि उभरा हुआ है, तो ऐसे लोग लव रोमांस के मामले में अपनी फीलिंग्स व्यक्त नहीं कर पाते हैं, और जिसकी वजह से थोड़ा सा इनको नाराज़गी भी झेलनी पड़ती है। अब हाथ में देखते हैं, यहाँ पर देखिए पिंक हाथ में पिंकनेस बहुत है, यानी कि रुपए पैसे की दिक्कत नहीं होती, काफ़ी ज़्यादा अच्छा रुपए पैसा ये लोग कमाते हैं। हाथ में काफ़ी ज़्यादा ब्राइट पिंकनेस है। यहाँ पर देखें तो ये छोटी छोटी रेखाएं इधर निकल रही हैं, तो ये इनको इनके जन्म स्थान से दूर तरक्की करवाएंगी। अब हाथ में यहाँ पर देखें तो ये अच्छी खासी लग्जरी की रेखाएं हैं, यानी कि अच्छा लाइफस्टाइल होना, जीवन में एक से एक सुख सुविधा के साधन होना, इस तरह की चीज़ इंडिकेट करती है। अब आते हैं हाथ में रेखाओं की तरफ, की रेखाएं क्या कहती हैं।
यहाँ पर ये रेखा देखिए इस प्रकार से जुड़ी हुई है। तो यानी कि अपने परिवार से काफ़ी लंबे समय तक जुड़े रहना, परिवार ने अगर जिस चीज़ के लिए हाँ कहा वही काम करेंगे, जिस चीज़ के लिए मना कर दिया वो काम नहीं करेंगे, इस तरह का योग हाथ में दिखता है, बिल्कुल परिवार के अकॉर्डिंग चलना। यहाँ पर देखें इस रेखा में दोनों में काफ़ी दबाव है, जब ये इतनी जुड़ी हुई है दबाव भी बहुत है, गड्ढा नुमाइंद, जुड़ना अलग चीज़ है दबाव होना अलग चीज़ है, तो ऐसे में कोई ना कोई पारिवारिक परेशानी भी जीवन में रही होगी इनके यंग एज में। और देखिए 20s में इन्होंने देखिए दो ही अब के निशान है, तो कोई ना कोई दिक्कत इन्होंने देखी होगी। यहाँ पर देखें जीवन रेखा इस प्रकार से चल रही है और ये ऐसे जा रही है, तो ये ऐसा लगता है कि जब दो में डिवाइड हो रही है तो यहाँ कोई ना कोई चेंज जीवन में दिखता है। 38 वर्ष के आसपास कोई ना कोई जीवन में चेंज आने वाला है, कोई बड़ा चेंज आएगा जीवन में। और साथ में देखें हाथ में तो ये भाग्य रेखा जीवन रेखा साफ सुथरी चल रही है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। और यहाँ पर देखें हाथ में भाग्य रेखा हमने देखी अच्छी खासी भाग्य रेखा, और यहाँ से ये रेखा दो में डिवाइड हो रही है, ये कितनी लंबी है इस तरह से, तो ये बार बार ट्रांसफर्स की ओर इशारा करती है। ये रेखा भी इतनी अच्छी खासी चल रही है, या तो पैसे का दूसरा सोर्स ऑफ इनकम है, या इनको जीवन में कहीं ना कहीं किसी से सपोर्ट है पैसे का, इस तरह की चीज़ इंडिकेट करती है भाग्य रेखा। कदम कदम पे इनको बाद में अगर हम देखें 35 के आसपास से लेके 55-60 वर्ष तक काफ़ी ज़्यादा एक तरह से ट्रांसफ़र कराना, इनकम के नए नए स्रोत बनाना, आगे जीवन में तरक्की कराना, इस तरह का इंडिकेशन दे रही है। अब हाथ में देखिए यहाँ पर ये भाग्य रेखा में थोड़ी सी दिक्कत है, बार बार कट, ये कि 37 के आसपास दिक्कत देना, 40 के आसपास दिक्कत देना, 45 के आसपास दिक्कत देना, फिर 48 के आसपास दिक्कत देना, तो ये बार बार कट्स हैं, तो कोई इनकम में रुकावट ये दूसरी रेखा करवा रही है। ये कई बार देखिए इनकम में रुकावट भी होती है, कई बार किसी प्रकार के खर्चे भी होते हैं, क्योंकि कोई खर्चा करना, अपने बच्चे की पढ़ाई पर खर्च करना या मकान बनाना, इस तरह के खर्चे भी दिखाता है। यहाँ पर देखें हाथ में तो मस्तिष्क रेखा पर काफ़ी ज़्यादा दबाव हमें दिखाई देता है, तो ऐसा लगता है कि जीवन में 30 से लेके 40 का समय काफ़ी ज़्यादा टेंशन भरा दिखता है। पहले भी समय थोड़ा टेंशन भरा था लेकिन वो बीत चुका है, लेकिन अब ये समय टेंशन भरा दिखता है। अब देखिए आगे जाके मस्तिष्क रेखा दो भाग में डिवाइड हो रही है, दो भाग में जब भी मस्तिष्क रेखा डिवाइड होती है तो ऐसे में इंसान कोई बुक या आर्टिकल लिखता है और एक अच्छा खासा राइटर बन जाता है। और यहाँ पर ये देखिए इस तरह से रेखा आगे चल रही है, वो स्मूथ चल रही है, यानी कि जीवन नॉर्मल हो चुका है, जो परेशानियाँ थी वो दूर हो चुकी, और इस तरह से जीवन आगे स्मूथ चलता हुआ दिख रहा है। थोड़ा सा ये रेखा नीचे की ओर आती है तो ऐसे में कहीं ना कहीं इंसान थोड़ा सा भावुकता की ओर ज़्यादा होता है, यानी कि इमोशनल ज़्यादा होता है। और यहाँ पर देखें हृदय रेखा इस तरह से दो फोक नुमा हो रही है, ऐसे लोग काफ़ी परोपकारी होते हैं, दयालु होते हैं, दूसरों पे काफ़ी मदद करने की इनकी आदत होती है, लेकिन अगर हम देखें तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर थिकनेस है, काफ़ी गठीली एक तरह से कहना चाहिए थिक मोटी सी भाग हृदय रेखा हो रही है, तो ऐसे में कई बार इंसान को अपनों से भी धोखा मिलता है, दुनिया के ताने मिलते हैं, फीलिंग्स का हर्ट होना, दिल पे एक तरह से चोट लगना दिल पे, यानी फीलिंग्स का हर्ट होना, इस तरह की चीज़ें भी इंसान को देखनी पड़ जाती हैं, यानी कि आपने किसी की मदद करी लेकिन उसके बाद भी आपको ताने सुनने को मिले। अब यहाँ हाथ में देखें तो ये था इनके राइट हैंड का एनालिसिस, राइट हैंड क्या कहता है। यहाँ पर एक रेखा और निकल रही है, देखिए इस प्रकार से रेखा यहाँ से निकल रही है, तो ये पूर्व पुण्य रेखा होती है, यानी पिछले जन्म के पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों का फल इस जन्म में मिलना। अब चलते हैं लेफ्ट हैंड की ओर, लेफ्ट हैंड देखें तो लेफ्ट हैंड भी अच्छा खासा है, काफ़ी रेडनेस पिंकनेस है हाथ में। और भाग्य रेखा की बात करें तो भाग्य रेखा में इस वाले हाथ में काफ़ी ज़्यादा कट्स हैं, बार बार आर्थिक परेशानियों का आना। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर इस तरह से ये रेखा हो रही है, तो ये हाथ को देखें तो जीवन में दिक्कतें परेशानी दिखा रहा है।
ये लाइफलाइन के साथ किसी का सपोर्ट दिखता है, ये लाइफलाइन है, और यहाँ पर एक रेखा का इधर इस तरह से आना यानी अपने जन्म स्थान से दूर तरक्की पाना इस तरह की ओर इंडिकेशन कर रहा है। यहाँ पे भाग्य रेखा इधर से निकल रही है यानी कि किसी लेडी का अच्छा सपोर्ट होना। और यहाँ पर देखें तो पर्वतों की बात करें तो वहाँ पर्वतों में ज़्यादा उभार था, और यहाँ पर भी एक मछली का चिन्ह हाथ में दिखता है। ओवरऑल अगर हम देखें दोनों हाथों को ही, देखिए यहाँ पे भी है मछली का चिन्ह, तो दोनों हाथों में ऑलमोस्ट बराबर हैं। अगर हम देखिए लेफ्ट हैंड वो होता है जो हमें अपने माता पिता से रहन सहन मिलता है, जो पालन पोषण मिलता है। राइट हैंड वो होता है जो हम खुद अपने जीवन में बनाते हैं। इनके दोनों ही हाथ ऑलमोस्ट इक्वल हैं, फिर भी कहीं ना कहीं राइट हैंड में 5-10% थोड़ा सा आगे है इनके लेफ्ट हैंड से। तो हम यही कहेंगे कि राइट हैंड काफ़ी अच्छा है, जीवन में बहुत तरक्की कराएगा, गृहस्थ जीवन में दिक्कत है और उसके लिए इनको उपाय करने चाहिए जो हमने इनको बताए हैं, तभी गृहस्थ जीवन का मामला इनका सुलझेगा। बाकी ओवरऑल हैंड में तरक्की काफ़ी ज़्यादा है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में अच्छी तरक्की मिलना, और इनको हम लास्ट में यही कहेंगे कि सरकारी नौकरी छोड़ना में भलाई नहीं है, प्राइवेट जॉब में बहुत ज़्यादा दिक्कत है, तो सरकारी नौकरी में ही बने रहें, भले ही दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र ले लें, और समय समय पर प्रमोशंस का लाभ इनको मिलता रहेगा और जीवन में काफ़ी अच्छी बड़ी पोस्ट पे भी ये पहुंच पाएंगे। तो ये था इनके हैंड का एनालिसिस। धन्यवाद।